120 किलोमीटर की रेंज के साथ 75 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ आया यह स्टाइलिश ई स्कूटर, लुक ऐसी जो कर दे दीवाना। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है, जहां पे फुल चार्ज करने के बाद 120 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा, वहीं 75 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड के साथ ये स्टाइलिश लुक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है। आइए सब कुछ जानते हैं कौन सी कंपनी का है, कितना प्राइस है, सरकार कितना सब्सिडी दे रही है, सारा कुछ जानेंगे। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले गाड़ी का एक फर्स्ट लुक देख लीजिए, ये देख सकते हैं सिल्वर कलर का यहाँ पे है, ब्लैक इन सिल्वर काफी सुंदर लग रहा है, विदेशी मॉडल टाइप के बनाया गया है। देख सकते हैं गोल हेडलैम्प है, डबल मिरर के साथ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, साइड में आपको इंडिकेटर भी दिया हुआ है। सीट की बात करें काफी जबरदस्त और काफी ज्यादा चौड़ा सीट बनाया गया है। आगे में यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, बीच में भी काफी ज्यादा स्पेस है। बहुत ही बढ़िया स्कूटर लग रहा है, डबल स्टैंड में यह स्कूटर अभी खड़ा किया गया है। तो देख सकते हैं स्कूटर इतना अच्छा लग रहा है कि लोग दीवाना हो जाएंगे। बाकी इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्रेज इंडिया में तेजी से चढ़ रहा है। जो लोग बिजली से चलने वाले वाहनों को पसंद कर रहे हैं तथा इसके बारे में अधिक जानकारी और समझना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक बेशक यहाँ पे भारत में लॉन्च हो रहे हैं, फिर बाहर किसी अन्य देशों में हर नए इनोवेशन और नए प्रोडक्ट के बारे में इंडियन यूजर्स उत्कृष्टता से पढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल रुचि रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है, फ्रांस से आई जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग LVNENG ने अपना नया ई स्कूटर LVNENG S6 लॉन्च कर दिया है, जिसकी लुक काफी हद तक भेस्पा से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें इसका जो लुक है पूरा यहाँ पे भेस्पा से यहाँ पे मिल रहा है। आइए आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग दोस्तों, तो LVNENG S6 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, तो कंपनी ने अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्मिंग रेस्ट्रो स्टाइल ई स्कूटर कहा है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स की बात करें तो प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मॉडल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दौड़ सकता है। वहीं कंपनी का कहना है कि चढ़ाई वाले रास्ते पर भी यह जो है ई स्कूटर बिना किसी एक्स्ट्रा लोड के तथा बिना कोई समस्या पैदा करे लगातार समान स्पीड से यहाँ पे चढ़ने में जो है सो मदद करता है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों, तो LVNENG S6 ई स्कूटर की दो बैटरी पैक के साथ आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार स्कूटर में लगी दोनों बैटरी LG कंपनी की है, जो सभी तरह से स्टैंडर्ड पास करके आई है। वहीं बात करें एक बार यहाँ पे फुल चार्ज करने पर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 120 किलोमीटर तक की रेंज देता है। जी हाँ दोस्तों, बता दिएगा एक बार फुल चार्ज कीजिएगा 120 किलोमीटर तक बिना रुके आप इसे चला सकते हैं। आगे बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बता दें 4 किलोवाट की पावर प्रदान करने वाली तथा इसमें से बोस्ट कंपनी का इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो LVNENG S6 की फुल LED डिस्प्ले तथा लाइटिंग सिस्टम दिया गया है। वहीं यह स्कूटर कीलेस स्टार्ट तकनीक से लैस है, यानी इसे स्टार्ट करने के लिए फिजिकल चाबी की जरूरत नहीं है, बिना चाबी से आप यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ रिमोट से। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इसके साथ ही आपको बता दें USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, प्रीमियम सीट इत्यादि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खूबियों में से एक प्रकार के। वहीं बात करें प्राइस की बात करें तो फ्रांस में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो है यूरो में 5,649 यूरो में लॉन्च किया गया है। यह कीमत भारतीय करेंसी के अनुसार 4,70,000 रुपये होता है, जो कि जापान में लॉन्च किया गया है। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इंडिया में इसको जो है कितना में लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसी महीने कंपनी लॉन्च करने वाली है। तो आप सभी लोग अपना अपना प्राइस रखिएगा दोस्तों कि इंडिया में इसका क्या प्राइस होने वाला है, क्योंकि मार्च में ही लॉन्च होगा। तो चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे हम लोग जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।